उखड़ उखड़ इनके शरीरों से शट शट शट। चलो चलो खड़ो शैतान तू भी। डॉक्टर ने कहा सी कि 6 महीने लगातार दंत दवाई खानी पड़नी है। 6 महीने लगातार दवाई खानी पड़नी। हाँ जी। और हफ्ते की कितने कितनी की आती? 1500 की दवाई आती थी हफ्ते की, और 6 महीने लगातार खानी है। 6 महीने बोलेगा खानी है। ये कितनी तकलीफ में थे। हाँ, अपना घर का कोई काम काज नहीं हो रहा था, ना ज्यादा देर बैठ सकते थे, ना खड़े रह सकते थे। इतनी ज्यादा तकलीफ क्योंकि मन को में गायब आ गया। बोलो क्या आ गया? पर धन्यवाद है उस परमेश्वर ने कि जिसकी सामर्थ ने इन्हें शुआ। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सिमरन है और जो अमृतसर मकरमंडी गांव के रहने वाले हैं। और जिस सिस्टर बता रहे हैं कि 4 महीने हो गए थे इनकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में गैप की प्रॉब्लम के कारण बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और जो काफ़ी परेशान हो चुके थे। और जो बता रहे हैं कि जो घर का काम करने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, क्योंकि जो घर की सफाई भी नहीं कर सकते थे, नीचे झुक नहीं पाते थे, जिसके कारण जब भी जो झुकते तो इनके बैक में जो जो रीढ़ की हड्डी में जो गैप है उसमें दर्द रहती थी, जिसके कारण जो अपने घर की सफाई भी नहीं कर सकते थे। और प्लस जो बता रहे कि जब भी जो अपने घर में खाना पकाते थे उस समय भी जो अपने किचन अपनी रसोई में खड़े होकर काम नहीं कर सकते, जो नीचे बैठकर ही अपना काम करते थे। इतनी ज़्यादा तकलीफ थी इन्हें। और जो बता रही कि डॉक्टर से जब इन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको 6 महीने तक लगातार मेडिसिन खानी होगी। और जो बता रही कि 10 दिन की जो मेडिसिन थी वो 1500 की आती थी, और जिसके कारण जी बता रहे कि जब मेडिसिन ले आते थे और जब ख़त्म हो जाती थी उसके बाद जी काफ़ी परेशान हो जाते थे, क्योंकि पैसों के कारण जी बता रहे कि मेडिसिन लेकर नहीं आ सकते थे और बहुत ज़्यादा जी तकलीफ़ में थे। और जब बता रहे कि दर्द के कारण जी बहुत ज़्यादा इनकी जो राइट साइड की टांग और पूरे चूल्हे में ही दर्द निकलती थी, जिसके कारण जो कोई काम नहीं कर सकते थे। और जो बता रहे कि ज़्यादा समय जो नीचे बैठ भी नहीं सकते थे, इतनी ज़्यादा इन्हें तकलीफ थी। और जो बता रहे कि जैसे कि जो 1 महीना हो गया था कि जो मीटिंग में भी नहीं आ पा रहे थे इस प्रॉब्लम के कारण। और जो बता रहे कि जैसे इन्होंने पिछले 9 जून की मीटिंग संडे की अटेंड तो की थी, पर जी सिस्टर बता रही कि उस दिन भी मीटिंग में इनका मन नहीं लगा और जे मीटिंग के बीच से ही अपने घर में चले गए थे। पर जैसे इन्होंने इस संडे मीटिंग को अटेंड किया संडे की, और जब बता रही कि जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर कर रहे थे उस समय दुष्ट आत्मा इन पर हैवी हो गया, प्रकट हो गया। और जब बता रही जितने भी बॉडी में जकड़न थी, तकलीफ थी, पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं स्क्रीन में। मैं तुझे आज्ञा देता हूं शैतान, चल उखड़ उखड़ इनके शरीरों से, शट शट शट। चलो चलो उखड़ो शैतान तू भी। छोड़, आज तेरा लास्ट दिन है, छोड़ दे उसके गले को, उसके पेट को, शट 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 शट। द नेम ऑफ जीसस। चल चल शैतान, तेरे प्रभाव को मैं तोड़ता हूं खुदा की पावर से। आज तेरे अधिकार को जब ये बता रहे कि इन पर प्रेयर हुई थी उससे समय जितना भी नेगेटिविटी का प्रभाव था, और जो कि 4 महीने हो गए थे इनकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में गैप के कारण दर्द रहती थी इनकी राइट साइड टांग और चूल्हे में, जब बता रहे कि बहुत परेशान थे। और जब बता रहे कि उसी दिन ही परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को छुआ, और जब बता रहे कि उस दिन से कोई तकलीफ नहीं, जो अपने घर का काम भी कर रहे हैं, और जब बता रहे कि खड़े भी हो पा रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, जब बता रहे कि सुबह से अब तक जो मीटिंग बैठे थे इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं तो जो बता रहे कि ज्यादा समय जो बैठ नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा दर्द थी। और जब बता रहे कि आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से, इस तरह से इनको आजाद कर दिया। इस गवाही के लिए जी परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए। सुनो, ये हालात पता क्यों आया? जब यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को अच्छा किया
तो उसने कहा देख तू अच्छा हो गया है, दोबारा पाप कोई ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर क्या आ जाए, फिर आ जाए, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति, क्योंकि इनका हालात आने का कारण था। माइक दो, कितना टाइम नहीं आए आप, माइक की आवाज नहीं है, माइक कौन है? हाँ जयमसी पापा जी, जयमसी मम्मा जी, जयमसी जी। हाँ जी, मैं दो संडे मिस हो गए सी, विचो आ जांदी सी चल जांदी सी, मतलब ते दो महीने मैं लगातार नहीं आई, दो महीने लगातार ही नहीं आए, नहीं देख लो। इसलिए मैंने आपको कहा कि परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना, उसके साथ रहना और जीना कितना जरूरी है। क्यों यीशु मसीह ने कहा था जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है किसी से, अगर वो किसी उसी घर को वो खाली पाएगी तो वो सातों को और लेकर आएगी और उसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब कर देगी। बोलोगे ये चार महीने से इसको रोग था हो गया और अब दूर हुई तो और भी ज्यादा बढ़ गया। बोलो क्या बढ़ गया, डॉक्टर ने क्या कहा, शेर, डॉक्टर ने कहा कितने टाइम, डॉक्टर ने कहा सी कि 6 महीने लगातार दवाई खानी पड़नी है, 6 महीने लगातार दवाई खानी पड़नी। हाँ जी। और हफ्ते की कितने कितनी की आती, 1500 दी ही, 1500 की दवाई आती थी हफ्ते की, और 6 महीने लगातार खानी है, 6 महीने। बोलो क्या खानी है, ये कितनी तकलीफ में थे। हाँ, अपना घर का कोई काम काज नहीं हो रहा था, ना ज्यादा देर बैठ सकते थे, ना खड़े रह सकते थे, इतनी ज्यादा तकलीफ क्योंकि मन को में गायब आ गया। बोलो क्या आ गया, पर धन्यवाद है उस परमेश्वर ने कि जिसकी सामर्थ ने इन्हें शुआ आज खुदा ने इसे पूरी तरह क्या कर दिया है, क्या कर दिया बोलो। अभी झुक कर देखो, बैठ कर देखो, झुको झुको झुको, हाँ 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 झुको, बैठो बैठो, कोई डरो नहीं, समझ आ रही है। तो आज खुदा बंद ने इसे शुआ है, क्या किया बोलो, शुआ है इस संडे की मीटिंग जब परमेश्वर की सामर्थ। इसलिए क्यों मैं तुम्हें कहता हूं बने रहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का कोई टाइम नहीं है, कब तुम्हें उसने हील करना, कब तुम्हें उसने ब्लेस करना, कब, कोई टाइम का पता नहीं है, पर बने रहना है। क्या रहना बोलो, बने रहना, बने रहना है। तो सही समय पे ये आई, खुदा की सामर्थ ने छुआ और आज खुदा ने बिल्कुल पूरी तरह क्या कर दिया, क्या कर दिया बोलो। नहीं तो अभी 6 महीने इसका लाज चलना था, पता नहीं कितनी तकलीफ में, कितना टाइम ऐसे ही हालात में इसने रहना था, और आज आपके सामने है, बिल्कुल परमेश्वर ने भला चंगा कर दिया, अब कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल फ्री होगी, अच्छा कर दिया खुदा ने। तारीफ करो इस बात के लिए, अपने लिए भी कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी तू ऐसे बड़े कामों को कर चुका है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, अनोखे काम करीदा है, करीदा है यहोवा, अनोखे काम करीदा है, करीदा है यहोवा, अनोखे काम करीदा है, करीदा है यहोवा। ओके, तो अभी ये गलती दोबारा नहीं करनी है, खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के जीना है, ठीक है, तो परमेश्वर तुम्हें और भी बढ़ाएगा। ओके, तो परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा।